आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है वीकेंड चर्चा का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब नीति को लेकर ये पूछताछ होगी। सीबीआई की तरफ से केजरीवाल को समन भेजा गया है। सीबीआई ने 16 अप्रैल को केजरीवाल को पेश होने को कहा है। बता दें कि नई शराब नीति मामले में सीबीआई पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर चुकी है। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। शराब नीति में कथित घोटाला इस बात का है कि मनीष सिसोदिया ने नीति में मनचाहे बदलाव किए और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इसमें अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों से बात की और दिल्ली में काम करने के लिए कहा। इस मामले में पूरा आरोप है कि शराब नीति से कंपनियों को फायदा हुआ और इस फायदे में उन्होंने हिस्सेदारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनावों में किया गया। इन सब के बीच आज दो प्रेस वार्ता हुई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, जिसमें भाजपा ने जमकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर वार किया, तो वहीं पहले से तय केजरीवाल ने अपनी प्रेस वार्ता में सीबीआई और ईडी पर जमकर निशाना साधा। पहले सुनते हैं दोनों को। ईडी ने और सीबीआई ने झूठा झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, एक कोई चंदन रे, और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ उनको। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी और डर लग रहा है आपको। दूसरा सवाल मुझे यह बताइए, विजय नायर, विजय नायर तो आप ही की पार्टी का एक लीडर है और ये बात भी अब विवेचना में सामने आई है। ईडी ने और सीबीआई ने झूठा झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं और सपा से नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम चर्चा में। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत इमरान जी से करना चाहूंगी। इमरान जी, सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए लोकप्रियता से आम आदमी लगातार अपनी जो संवैधानिक आवाज मिल रही मेरी? जी जी बोलिए। देखिए, मैं मयूरी जी ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीते कुछ दिनों में राष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है, उससे सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी पार्टी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। और बार बार देखा जा रहा है, आज अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इस नाते सीपीआई के यहाँ बुलवाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले दिल्ली की विधानसभा के अंदर जो देश ही नहीं अपितु दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा महाघोटाला है, मोदी अडानी महाघोटाला, जिसमें मोदी जी अस्पष्ट रूप से लिप्त पाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के अंदर,
उस भ्रष्टाचार के उस महाघोटाले की सच्चाई को परत दर परत विधानसभा के अंदर खोलने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आज मोदी अडानी महाघोटाले को लेकर देश की 19 विपक्षी पार्टियां जेपीसी जांच की मांग कर रही हैं, लेकिन मोदी जी जेपीसी की जांच से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, दहशत में हैं। इसकी वजह से ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये डर में की जा रही कार्रवाई है, ये दहशत में की जा रही कार्रवाई है। अभी तक शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला ये लोग माला जपते रहते हैं, लेकिन बताइए कभी कह रहे थे कि 10,000 करोड़ का घोटाला है, कभी कह रहे थे 1,100 करोड़ का घोटाला है, कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है। अगर 1 रुपए इनकी लठैत एजेंसियों को मिला हो, 1 रुपए की बात कर रहा हूं, तो हमको बता दें जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, इनकी लठैत जो एजेंसियां हैं वो बता दें, तो कुल मिलाकर मैं तो कहता हूं कि ये तो संबंध किया गया है पूछताछ के लिए, हो सकता है जेल के अंदर डाल दिया जाए, ये कोई हैरत की बात नहीं है। और मयूरी जी आप हैरत तब भी मत करिएगा जब चौराहे पर खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी इन एजेंसियों से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोप से उड़ा दें या गोली से उड़ा दें या जहर खिला के मार डालें, क्योंकि विपक्ष को देखना नहीं चाहते हैं, ये लोकतंत्र को मार देना चाहते हैं। जी ठीक है, जवाब लेते हैं केसी जैन जी से। केसी जैन जी, आम आदमी पार्टी हमेशा से आप पर आरोप लगाती रही है कि आम आदमी की बढ़ती लोकप्रियता को बढ़ता ग्राफ को देखते हुए उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा दी गई है, बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है। कि आम आदमी पार्टी अगर सबसे ईमानदार पार्टी है, कट्टा ईमानदार पार्टी है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी के पदचिन्हों पे चलने वाली पार्टी है और तमाम सारे क्रांतिकारियों के पदचिन्हों पे चलने वाली पार्टी है, और ये भी कहते हैं कि सात को आठ क्या, फिर इतना डरने की आवश्यकता क्या है, आज केजरीवाल जी क्यों डरे हो? एक ये बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी अपने समक्ष स्वयं खड़ा कर रही है। दूसरी बात ये कि हर बात को एक ढाल लेकर के कि हमने अडानी का नाम लिया इसलिए हमें फसाया जा रहा है, तो शायद ये भूल रहे हैं कि इस शराब घोटाले में कई सारे लोग इसके पहले जेल जा चुके हैं, और जब वो ये एफआईआर दर्ज हुई, मनीष सिसोदिया जी जेल गए, तब कहीं पर भी अडानी का नाम सामने नहीं आया। तो जब ये जांच पहले से चल रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत बाद में आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में ये बात होती है कि भाई अडानी का मुद्दा सामने आता है, तो अडानी की आड़ लेकर के चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो बच नहीं सकते। और फिर ये जो जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, ये सारे के सारे आरोप कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए थे, शराब घोटाले को उजागर करने वाली कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ, जांच हुई, जांच में तमाम सारी चीजें सामने आई। तो आज जिस कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर के खुश होना चाहिए कि बड़े स्तर पर जांच हो रही है, कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में आज कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी की बचाव की मुद्रा में दिखाई देती है, जबकि उसी की शिकायत पे ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसी की शिकायत पे जांच हुई, और आज तक मनीष सिसोदिया जी अपनी जमानत नहीं करा पाए। चलिए ठीक है, ईडी सीबीआई सरकार के अगर हाथ में है तो क्या न्यायालय भी सरकार के हाथ में है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, आपके एडवोकेट स्वतंत्र है, आपने जिन एडवोकेट्स की फौज खड़ी की, तमाम सारे तर्क और वितर्क रखे, लेकिन कहीं पर भी आप न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाए, एक दिन तक के ऐसा नहीं दे पाए जिससे कि आपकी जमानत हो जाती है। जी ठीक, इमरान जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले हमारे साथ नितेंद्र जी सपा से जुड़े हुए हैं, आपके पास आऊंगी केसी जैन जी, आपके पास फिर आऊंगी। नितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। जिस तरह से केजरीवाल ईडी और सीबीआई पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मयूरी जी, मौजूदा समय में इसमें लोकतंत्र है, क्या सही है क्या गलत है इसकी जांच करने के लिए सच है कि एजेंसियां जांच करेंगी, जो भी परिणाम होंगे निकलते हैं, लेकिन जो कार्रवाई है उसमें जो अधिकतर दिखाई पड़ रही है कि अगर 300 केसों की जांच की जाती है उसमें 295 केस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के होते हैं, तो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। मतलब कि आप समर्थन में हैं नितेंद्र जी, आप समर्थन में हैं?
देखिए मैं समर्थन और विरोध की बात कर नहीं रहा हूं, मैंने कहा कि इसमें कोई भी अगर आरोप प्रत्यारोप किसी पर आता है तो उसके लिए जांच करने के लिए जांच एजेंसियां हैं, लेकिन जब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होने लगे और जब 300 से अधिक जांच की जाए और 295 तो क्या मानते हैं नितेंद्र जी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है, और वो किस तरीके से हो रहा है, किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? निश्चित रूप से जब राजतंत्र होता था तो राजतंत्र पे एक राजा को जब अपने राज्य पर खतरा नजर आता था तो वो पड़ोसी राजाओं पर अटैक भी करता था, उस पर उसकी हत्या करता था, उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाने की प्रयास करता था। लेकिन आज की जो मौजूदा समय में सामंती सोच की सरकार है वो ये भूल गई है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में देश रहेगा सिर्फ राजा बदलता रहेगा, और उनको ऐसा लगा कि ये राज्य में मेरा है और मैं ही राजा हूं, तो अब कोई भी विपक्ष का नेता इस लायक ही न रहे कि वो राज्य सत्ता के बारे में सोच सके, इसलिए जो भी पाओ विपक्ष के सारे नेताओं पर आरोप लगाओ प्रत्यारोप करो, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की नोटिस करके उनको जिस तरीके से चाहे आरोप को फंसा दो। केसी जैन जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, साफ तौर पर कहना है नितेंद्र जी का कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए मयूरी जी, कोई भी जब जांच के दायरे में आता है तो यही कहता है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो, हमने ये बात पहले ही कही आपसे, और ये सवाल भी हमने पूछा इमरान जी से भी, नितेन जी से भी, कि ठीक है कि अगर मान लिया जाए एक बार कि जांच एजेंसियां आपको कहीं ना कहीं फंसा रही हैं, लेकिन न्यायालय के समक्ष आप जमानत तक क्यों नहीं करा पा रहा है? वो न्यायालय तो स्वतंत्र है, भारत देश की न्यायपालिका पे आपको भरोसा है कि नहीं है? आपको अगर भारत देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको देश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको देश की सेना पे भरोसा नहीं है, चाइना का मुद्दा आता है तब भी आप उठा देते हैं कि देश की सेना कुछ नहीं कर पा रही है, आपको न्यायपालिका पे तो भरोसा है ना, तो कम से कम न्यायपालिका पे अगर भरोसा है तो एक बड़ा सवाल बनता है कि आम आदमी पार्टी के कई सारे बड़े नेता जो जेल में हैं, उसमें मनीष सिसोदिया जी भी हैं, कई महीने हो गए अभी तक वो जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हैं? कम से कम जमानत तो हो जानी चाहिए जी, इस आधार पर ये कहीं भाग करके नहीं जा रहे हैं, ये तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये घोटालों में नहीं पाए गए हैं मुख्य रूप से, अगर एक भी तथ्य सही होता तो इनकी जमानत हो गई होती। लेकिन वो मनीष सिसोदिया जिन्होंने कहा कि शराब नीति अच्छी है, अगर शराब नीति अच्छी थी तो शराब नीति को परिवर्तित क्यों कर दिया बाद में? पहली बात, 5% कमीशन से 12% कमीशन कर दिया बिना माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति लिए, जबकि कोई भी टेंडर निकलता है तो ये होता है माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से, तो जब जिस चीज का मालिक राज्यपाल है आप उससे अनुमति भी नहीं ले रहे हैं, चीजें चेंज कर दे रहे हैं, और जब घोटाले खुल करके सामने आते हैं फिर आप कहते हैं हम पाक साफ है। अरे पाक साफ है, इतना बड़ा घोटाला कि आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही भाई? जी इमरान जी, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, समय भी दे दिया गया है, 11 बजे बुलाया गया है, तो क्या इस बात को लेकर आपको डर है, क्योंकि पहले से आपके दो नेता बंद हैं? देखिए मंत्री जी, डर कौन रहा ये साफ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद से, लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी जैसे 56 इंची नेता घबराए हैं, दुबक गए हैं डर के मारे, और जांच 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 कर रहे हैं अभी जैन साहब। अरे भाई, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है मोदी अडानी महाघोटाला, अगर कर नहीं है तो डर काहे का है, काहे ने जेपीसी से जांच करा ले रहे हैं? बीजेपी की बात हो गई, सीबीआई की बात हो गई, ईडी की बात हो गई, तो जो बंद हैं आपके दो नेता उनको कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ जी। अब सत्येंद्र जैन के मामले का जिक्र करूंगा, इन्होंने कहा कि कोर्ट से क्यों नहीं राहत मिल रही है जी। सत्येंद्र जैन के मामले में कितनी बार जज का ट्रांसफर हुआ है पूछिए जैन साहब से, पता है क्यों कि नहीं पता है क्यों ट्रांसफर हो जाता है? जब एक जज किसी निर्णय तक पहुंचता है उससे पहले उसको आप ट्रांसफर कर देते हो और कह रहे हो जमानत क्यों नहीं, कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये सारा खेल जनता के सामने जा रहा है। आप मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, आपकी ईडी और सीबीआई झूठे झूठे तथ्य ले जाकर दे रही है। अभी आपने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसी जो तथाकथित शराब घोटाला है उसके जो तमाम आरोपी बनाए गए हैं
उनके साथ किस तरीके से ईडी और सीबीआई सलूक कर रही है पता है आपको? चंदन रेड्डी जिसने कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया है माननीय कोर्ट को कि उसको इतना पीटा गया ईडी के अधिकारियों के द्वारा कि उसके कान के पर्दे फट गए। और किस लिए पीटा गया? सिर्फ इसलिए पीटा गया कि आप जबरिया तौर पे आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लीजिए। तो आप अन्य कोर्ट क्यों नहीं जाते इमरान जी? तो आप अन्य कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट जा रहे हैं, सब कोर्ट जा रहे हैं, आप परेशान मत होइए, कोर्ट जा रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, कहाँ कमी रह जा रही है? कहाँ कमी रह जा रही है? कोई कमी नहीं, मैं कमी यहाँ रह जा रही है। पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को पंगु बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का इनको ख्याल नहीं है, लोकतंत्र की इनको चिंता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप विपक्षी पार्टियों के वजूद को खत्म कर देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मोदी अडानी महाघोटाला है वो दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उसकी सच्चाई जनता के सामने आम आदमी पार्टी परत दर परत लेकर आ रही है, इससे इनके अंदर घबराहट है। और ये लाख कर लें, मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, मयूरी जी पराजित नहीं किया जा सकता है। आप कितना भी टॉर्चर कर लीजिए लोगों को, आप जजों को ट्रांसफर कर लीजिए, आप कोर्ट को गुमराह करने के लिए ईडी और सीबीआई के माध्यम से झूठे गवाह पेश करिए, झूठे तथ्य दीजिए, लेकिन समय आएगा जब सत्य जीतेगा, सबके सब बाइज़र बनी होकर निकलेंगे। ठीक है, केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगी। केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, केसी जैन जी अपनी बात रखें। देखिए मयूरी जी, मैं पूरी बात ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन एक आरोप ये लगा रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि आपने जस्टिस को चेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए, पहली बात ये कि अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है अपना, तो मैनेजर कोई भी आए ये नहीं कह सकता है कि आपने पुराने वाले मैनेजर के पास पैसा जमा किया था वही निकालेंगे। जो चेयर पे बैठेगा वो आपको पैसा विड्रॉल कर भरेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो देखिए, जस्टिस तमाम सारी कोर्टों के लगातार चेंज होते हैं। जस्टिस की पोस्ट एक ट्रांसफरेबल जॉब है और कहीं पर भी जस्टिस लगातार नहीं बैठते। ये कोई एक पहली कोर्ट नहीं है जहां पे जस्टिस चेंज होते हैं, और जो जस्टिस आएगा वो सुनवाई करेगा आगे। आप देखिए, राम मंदिर मुद्दे पे भी इमरान जी का तो साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर बदला गया है, झूठे सबूत पेश किए गए हैं। नहीं देखिए, जिस प्रकार से अपने बचाव में तर्क कुतर्क गढ़ रहे हैं, इनको यही बात कहनी चाहिए कि इन्होंने पहले वाले जस्टिस खरीद लिया था क्या, जिनको ये पक्का विश्वास था पुराने जस्टिस रहेंगे, बदला हो जाऊंगा, नया जस्टिस आएगा तो हमारे खिलाफ फैसला कर देगा। क्या आप खरीद फरोख्त करने गए थे क्या जस्टिस की? जस्टिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा ले लिया था क्या? तो देखिए, आम आदमी पार्टी का यह सगल बन गया है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सबके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। अब बचा था मात्र न्यायपालिका, तो ये कोर्ट आप कंडम कर रहे हैं, न्यायपालिका पे पैसा लगाने का आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर के या तो वो हट गए, और या तो पैसा उन्होंने जस्टिस को दिया था वो हट गया। तो देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है और जस्टिस बड़े कोर्टों के चेंज होते हैं। मैं प्रैक्टिशनर वकील भी हूँ और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोअर कोर्ट में भी जस्टिस लगातार चेंज होते हैं। किसी जैन जी, आप पर तो साफ तौर पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है लोकप्रियता को देखते हुए आम आदमी पार्टी की ये सब करवाया जा रहा है। मयूरी जी, आम आदमी पार्टी की क्या लोकप्रियता है क्या नहीं है ये न्यायपालिका नहीं देखती। न्यायपालिका देखती है आरोप क्या है। और अभी इन्होंने सत्येंद्र जी का नाम लिया, इनके सत्येंद्र जी भी जेल में हैं, तब तो कहीं पे अडानी का नाम भी नहीं आया था। और ये शराब घोटाला जब शुरू हुआ था तब भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब भी अडानी का कोई मामला नहीं था। तो ये अडानी की ढाल लेकर के बच नहीं सकते। और एक के साथ एक बोतल फ्री, 5% से बढ़ा के 12% कमीशन कर देना, ये किस नीति के अंतर्गत आपने कि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे और बता रहे हैं कि जांच एजेंसियां हमको परेशान कर रही हैं। अरे 5% से 6% कमीशन कर दिया होता, समझ में आता है? 5% से 12% कमीशन कर दिया आपने। और जो होलसेलर थे उन्होंने अपनी बिक्री दिखाई कि नहीं, हमने फुटकर में बिक्री की, क्यों? क्योंकि 5% के बजाय उनको 12% का भी। तो सर, तो आप अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग क्यों नहीं मानते, सारा मामला ही खत्म हो जाए? देखिए, जेपीसी की का मामला अलग है। दूसरी बात यह है
कि जिसको लेकर के लगातार विपक्षी सवाल उठाता रहा, जेपीसी की मांग लंबे समय से कर रहा है, तो आप ही वो बात मान लीजिए, मामला ही खत्म हो जाए। ये सदन के अंदर का मामला है, सदन के अंदर का प्रश्न है, और सदन के अंदर सरकार ने इसका जवाब भी दिया है। ये सरकार और विपक्ष का मामला है, लेकिन ये जांच एजेंसी और न्यायपालिका का मामला नहीं है। जांच एजेंसी और न्यायपालिका को सदन के अंदर किसी पक्ष विपक्ष के मामले में मिक्स करना ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यही विपक्ष है, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, यही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए कि भाई इसके लिए कमेटी गठित कर दी जाए जांच के लिए। तो ये दो में से एक चीज मांग करें ना, या जेपीसी की मांग करें और या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के कमेटी गठन की मांग करें। कमेटी का भी गठन कर दिया माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने, और साथ ही साथ सेबी भी इसकी जांच कर रहा है। फिर हिंडनबर्ग एक कंपनी, एक फॉरेन की कंपनी, वो सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करती है, कहीं से भी कोई घोटाला सामने अभी तक उभर के नहीं आया है, 2 रुपए का कोई घोटाला उभर के सामने नहीं आया। और उत्तर प्रदेश में कोई घोटाला जेपीसी बनाने में क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत नहीं है, बात यह है कि अगर हर एक जांच सीबीआई करने लगे, फिर थाने क्या करेंगे? सीओ बैठे वो क्या करेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजों को मामले को सिर्फ उलझाना चाहते हैं, और सेबी उसकी जांच कर रहा है। आरबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे थे, आरबीआई ने रिपोर्ट दे दी, एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और जो है जो इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी उसने भी रिपोर्ट दे दी कि हम कहीं पे घाटे में नहीं है, हमारा 34,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है और 76,000 करोड़ रुपए आज भी हमको मिल रहा है। तो कुल मिला के ना तो कंपनी कोई घाटे में है, कुछ भी बोले चले जा रहे कहीं पे घाटे में है, लेकिन हाँ पहले अगर 10,000 रुपए का 30,000 रुपए मिल रहा था तो आज 10,000 रुपए का 20,000 रुपए मिल रहा है, ये घाटा ये मुनाफा हो सकता है। लेकिन ये कंपनी की टेक्निकल चीजें हैं, यहाँ पे बात हो रही है शराब घोटाले की और केजरीवाल जी से पूछताछ की। केजरीवाल जी से पूछताछ को आप इस चीज की आड़ लेकर के कि हमने अडानी के ऊपर सवाल उठाया इसलिए सीबीआई जांच ना हो, इसलिए ईडी की जांच ना हो, इसलिए सवालों का जवाब नहीं देंगे, आप ये सारी बातें कहके बच नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर है, आम आदमी पार्टी के ऊपर, आज तक आप जमानत नहीं करा पाए, ना मनीष सिसोदिया की ना तो सत्येंद्र जी। ठीक है, केजरीवाल जी, केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो ईडी और सीबीआई पर केस करेंगे, करना चाहिए उनको लगता है कि उनसे गलत पूछताछ हुई है, बिल्कुल करे। तो देखिए कम से कम केजरीवाल जी, अगर न्यायपालिका पे भरोसा उनको है, उनको लगता है वो केस करेंगे, न्यायपालिका सुनेगी, तो दो बातें ना करें आम आदमी पार्टी के लोग। एक तरफ कह रहे हैं कि जबरन उनको फंसाया गया है, न्यायपालिका उनके साथ पक्षपात कर रही है, नहीं दे रही न्यायपालिका जमानत, दूसरी तरफ न्यायपालिका पे भरोसा भी है, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। अगर भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए, अगर खारिज करिए तो पूरी तरीके से खारिज करिए। अगर केजरीवाल जी ने भरोसा दिखाया है तो अच्छी बात है, उनको बिल्कुल अगर उनको लगता है कोई केस बनता है केस करना चाहिए और न्यायपालिका की शरण में जाना चाहिए, बरी होकर के आ जाए तो जांच एजेंसियों भी मुकदमा कर सकते हैं कि हमको फर्जी फंसाया गया। लेकिन अभी तो जेल में है, अभी तक जमानत नहीं हुई, और सारे तथ्य, सारे की सारे तथ्य मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल जी के खिलाफ है। इमरान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह सकता जी। ठीक है इमरान जी, अपनी बात रखें। देखिए मयूरी जी बार बार ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है और सत्येंद्र जैन जेल में है और जमानत नहीं करा पा रहे हैं। जैन साहब को खुली चुनौती दे रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन के लिए मुझे ईडी सीबीआई दे दें, 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई इमरान लतीफ को दे दिए, जैन साहब 5 साल तक बाहर नहीं आने देंगे। जो तरीका आप सिखा रहे हैं तरीका हम भी सीख गए हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, 5 साल तक बाहर नहीं आ पाएंगे आप। और जिसको कहेंगे आप कहेंगे नितेंद्र भाई को जेल में डाल दीजिए, इनको भी जेल में डाल दूंगा, आप कहेंगे मयूरी जी को डाल दीजिए, इनको भी डाल दूंगा, बस ईडी सीबीआई दे दीजिए हमको। ईडी सीबीआई के दम पर आप 5 महीने नहीं 5 साल भी अंदर रख सकते हैं, लेकिन सच को नहीं हरा सकते हैं। आज व्यवस्थाओं को आपने पंगु बना के रखा है, कल ऐसा दिन नहीं होगा। आज आप डॉक्यूमेंट के जरिए, आप आज दबंगई के जरिए क्या कर रही है ईडी सीबीआई, बार बार तो मैं कह रहा हूं,
बताइए, एक जो आपने तथाकथित आरोपी बनाया ही शराब घोटाले के मामले, आवाज एक तो नहीं मिल रही है, बहन को प्रताड़ित करती है डीसीपीआई, तो आप पूछ लीजिए मुझे, बूढ़े माँ बाप थोड़ा दूसरे चैनल पे भी बैठना है 4:30 बजे, चंदन तो मैं क्षमा चाहूंगा, मार के फाड़ दिया, मेडिकल रिपोर्ट से बात कह रही हूँ, ये सारी बातें मैं ऐसे मौखिक तौर पर नहीं कह रहा हूँ, ये इन लोगों ने कोर्ट के अंदर बाकायदा एफिडेविट देकर ये बात कही है, तो आप इस तरीके से एजेंसियां काम करेंगी और समझेंगी कि एजेंसियां निष्पक्ष काम करेंगी। नितेंद्र जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल मेरा आपसे। मयूर जी देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार किसी भी पैमाने पर कहीं पर भी हो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा सिर्फ विपक्ष की जांच हो, बार बार पूरा संपूर्ण विपक्ष एक व्यक्ति का नाम ले रहा है, उसके घोटालों की बात कर रहा है, और हमारे साथी केसी जैन जी बोल के चले गए कि नहीं कहीं एक भी पैसे का 2 रुपए घोटाला नहीं, इतनी सारी कंपनियां कोई 18,000 करोड़ रुपए, कहीं किसी में 32,000 करोड़ और कहीं 13,000 करोड़, ये कंपनियां जो बेनामी है, जिन कंपनियों के मालिकानों में का पता नहीं है, कोई कंपनी के कर्मचारी नहीं है, वो पैसे अडानी के खाते में आए, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अगर विपक्ष कह रहा तो इसकी जांच, एक दिन ईडी और सीबीआई की नोटिस अडानी को क्यों नहीं, उनको बुला करके घंटे की पूछताछ कर लीजिए, तो ये वन साइडेड जो है इसकी निंदा होनी चाहिए, ये प्रक्रिया गलत है, मैंने इसलिए कहा कि राजा बिल्कुल निरंकुश है और इस पूरी तरीके से राजतंत्र की व्यवस्था को कायम करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है इस देश में राजा, तेरा सिर्फ जितना कहना है और कोई दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार कहीं भी हो, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती है, भ्रष्टाचार कहीं भी हो किसी पैमाने पर उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन सबके तरफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मित्रों को छोड़ दिया जाए और विपक्षी पार्टियों को रगड़ा जाए। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, शराब नीति को लेकर ये पूछताछ होगी, वहीं लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी हमलावर नजर आ रही हैं। बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, अब केजरीवाल को समन भेजा गया है। फिलहाल अभी के लिए वीकेंड चर्चा में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।